Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving on towards page number 145, question number 19. So let's see, kya hai hamara question? In what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? That means कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस वक्त पे किसी लिक्विड में इमर्ज है, तो उस वक्त पे जो बॉयंट फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है वो कौन सी डायरेक्शन में रहती है, ये हमें बताना है। ठीक है, सो पहले एक बात रिविजिट करते हैं कि हमने बॉयंट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा था। सो सपोज ये मेरा लिक्विड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से एक नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करने वाला है। सो उसके बदले में जो लिक्विड से उसे फोर्स मिलने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? जाहिर सी बात है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया? हमारा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो आपका जो बॉयंट फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक बार इसे हम आंसर से भी देखते हैं। The buoyant force on an object immersed in a liquid acts upwards. That means, कैसे हम upwards कह सकते हैं? Opposite to the direction of the force exerted by the object. It will always be opposite to the direction of the force exerted by the object. हमारा object जिस भी direction में force input करेगा, मारेगा, ठीक है, उससे opposite direction में liquid अपना force को लगाएगा, ठीक है? So, हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा जो उसकी वेट की वजह से फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके बदले जो आपको लिक्विड से प्रेशर एग्जर्ट होता है, फोर्स एग्जर्ट होता है, दैट विल ऑलवेज बी टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हेंस उसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन रहता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बॉयंसी वाला जो हमने कॉन्सेप्ट अपने चैप्टर में भी पढ़ा था ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ हो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्चुअली बॉयंसी पे, बॉयंसी के कुछ भी एप्लीकेशन पार्ट पे, जैसे कि शिप्स वगैरह, फ्लोटिंग, सिंकिंग, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय।